बोलो, बनोगी मेरे संजय की संगी? माँ, परागी मेरी संगी नहीं बनेगी। माँ, पापा, अभी इस रिश्ते के लिए परागी की हाँ नहीं है। रियली सॉरी, अगर मुझे पता होता कि आप दोनों यहां पर आने वाले हैं तो मैं मना कर देता आप लोगों से। संजू, तुम उससे प्यार करते हो? बट पापा, परागी का प्यार यूपीएससी है। शादी के बाद लड़की की प्रायोरिटी बदल जाती है, क्वालिफिकेशन और डिग्री घर गृहस्थी के बोझ के नीचे आ जाते हैं, सपने पीछे रह जाते हैं और जिम्मेदारियां आगे हो जाती हैं। I'm really sorry. मैंने परागी के यूपीएससी के सपने को, उसके पैशन को बहुत पास से जिया, महसूस किया है उसके स्ट्रगल को उसकी मंजिल तक पहुंचने के लिए। मैं चाहता हूं कि इस वक्त हम सबको मिलकर परागी की मदद करनी चाहिए, उसके सपने को पूरा करने के लिए, ना कि ऐसी सिचुएशन में डालकर परागी के लिए मुश्किलें पैदा करनी चाहिए। बेटा, हम तो बस। माँ, आई एम रियली सॉरी कि मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन लड़का और लड़की अगर एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं है कि उन दोनों की शादी कर दी जाए। दोनों के अपने अपने सपने हैं, उनको मौका मिलना चाहिए उन सपनों को पूरा करने का, उन सपनों को हकीकत में ले जाने का। आई होप कि आप मेरी बात संजू। बेटा, मैं अच्छी तरह से समझ रहा हूं कि तू क्या चाहता है। तू जो भी चाहता है, हम तेरे साथ हैं। गलती हमारी है, बिना कंफर्म किए हम यहां पर आ गए, इसलिए परागी बेटा, आई एम रियली वेरी सॉरी। नहीं अंकल जी, प्लीज आप सॉरी मत बोलिए। बेटा परागी, हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम खूब पढ़ो, खूब आगे बढ़ो, अपने पूरे परिवार के साथ साथ भोपाल शहर का भी नाम रोशन करो। ऑल द वेरी बेस्ट। भाई साहब, शगुन नहीं बच्ची के लिए आशीर्वाद समझ लीजिएगा, यह हम साथ नहीं ले जाएंगे।
हाँ ये सस्ते में नहीं फ्री में निपटने वाली बात हो रही है, इसे जाने मत दो। और सोचो शगुन इतना दे रहे हैं लोग तो शादी में कितना देंगे, घर को शोरूम बना देंगे। मम्मी बड़े लोगों से ही मिलके आदमी बड़ा बनता है, सोचो अगर हमारी परागी पाठकों के घर जाएगी तो मोहल्ले में ही नहीं पूरे भोपाल शहर में हमारी इज्जत पहुंच जाएगी। हाँ मम्मी जी, एक बार ये शादी हो गई ना तो वो अदिति की सास अपने बड़े औहदे वाला रौब भी नहीं झाड़ पाएगी। और मम्मी जी ये पाठक लोग तो भोपाल में बड़े नाम वाले हैं। अरे बहरे हो क्या तुम लोग, ये लोग सब कुछ हमारी मर्जी से नहीं परागी की मर्जी से करने वाले हैं। I'm really sorry. मेरे पेरेंट्स थोड़े से सिंपल और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो यहाँ पर आने वाले हैं। अगर पता होता तो मैं पक्का उन्हें रोक लेता। Hope you don't mind. तुम टेंशन मत लो, मैं सब हैंडल कर लूंगा। अरे अरे आप लोग अभी तक खड़े क्यों हैं? बैठिए ना, मैं आपके लिए हमारी चंदा स्वीट से वो फेमस वाली रसमलाई मंगवाती हूँ। देखिए हमारी परागी बड़ी इंटेलिजेंट पढ़ी लिखी लड़की है, इसलिए ये अपना डिसीजन जरा सोच समझ कर लेती है, इसे थोड़ा वक्त दीजिए सोचने समझने का। बिल्कुल सही बात। परागी बेटा तुम आराम से सोच लो, जरूरी नहीं है कि तुम अभी कोई डिसीजन लो। वैसे भी इतने बड़े फैसले इतनी जल्दी नहीं लिए जाते हैं। बेटा हमारे घर कल साई भजन का आयोजन रखवाया है मैंने, हर महीने होता है लेकिन इस बार प्रसाद मैं नहीं बनाऊंगी। बेटा अगर तुम्हारी हाँ है तो प्रसाद लेकर तुम खुद आना। और अगर तुम्हारी ना है तो किसी और के हाथ भिजवा देना, हम समझ जाएंगे। लेकिन इस बार साई भजन में प्रसाद तुम्हारे हाथों का बना हुआ ही अर्पण होगा। हमें अच्छा लगेगा। बेटा तुम्हारा डिसीजन जो भी हो हम साईनाथ महाराज से प्रार्थना करेंगे कि तुम हमेशा खुश रहो। भाई साहब, बहन जी, हम चलते हैं। ओम साईनाथ। ओम साईनाथ। ओम साईनाथ। ओम साईनाथ। माँ पापा, आई नो कि आप दोनों मुझसे नाराज हैं। आई एम रियली सॉरी, जेन्युइनली आई एम सो सॉरी, क्योंकि मैंने आपकी बात काटी वो भी सबके सामने। पर जो बातें मैंने अंदर बोली वो सच में मेरे लिए मायने रखती।
और सॉरी मैम। संजू बेटा, तुमने जो कहा ना, बिल्कुल सही कहा। बस थोड़ा बुरा लगा। मैंने सॉरी भी तो बोला अभी आके कि रिश्ते को तुरंत हाँ नहीं मिली, पर ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि तुम लड़कियों के डिसीजन की रिस्पेक्ट करते हो। खुशी हुई ये देखकर कि मैंने एक होनहार बेटे को जन्म दिया है, है ना विनोद जी? बिल्कुल, मेरा बच्चा। अरे ऐसे होते हैं खानदानी लोग, खुद की कोई डिमांड नहीं, ऊपर से इतना सब कुछ लुटा गए खुले दिल से। ये पाठकों का काफी नाम है भोपाल में, संजय प्रकाशन इन्हीं का है। बाप रे बाप, ये तो भंडार भर दिया है पूरा। हाय, क्या कर रहे हो तुम लोग? और बहू, हर सामान खोलने की क्या जल्दी है? पता है ना, परू का अभी हाँ या ना होना बाकी है। ए, मैं तो कहती हूँ कि किस्मत जब दरवाजा खटखटा रही है तो ज्यादा सोच विचार नहीं करना चाहिए। परागी, शादी के लिए हाँ कर दे। तो फिर शुरू हो गई चंदा। अरे परागी, ये वो इतने बड़े इंस्टीट्यूट वाले हैं, बथेरे मास्टर भर्ती कर रखे हैं इन्होंने, तेरी पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ कर दे बेटा। हाँ मम्मी जी, वहाँ पे तो परागी डबल UPSC कर लेगी, है ना? हाँ। बेटा, अपने पापा के बारे में भी सोच। दो दो बेटियों का दहेज इकट्ठा करके थक गए हैं बेचारे। कोई ऐसा मिल जाए, ये पाठकों जैसा दहेज बिना जहाँ काम बन जाए, तो कितना बोझ हल्का हो जाएगा उनका। ए, चंदा, जब लड़का खुद कह के गया है कि परू की जो मर्जी हो, तो तू अपनी मर्जी क्यों थोप रही है? उसे सोचने दे। ये क्या है? अरे किताबें, तो जरा किताबें। वाह फरागी, किताबें। कोई मुझसे कोरे कागज पर लिखवा कर ले ले, ये लोग तो तुझे IAS बनाकर ही छोड़ेंगे। नीली बत्ती वाली गाड़ी तेरे इशारों पर घूमेगी, सोच। हाँ कर दे बेटा, हाँ कर दे। पापा, ये सारी बुक्स तो नोन ऑथर की है, लेटेस्ट एडिशन। इतनी कॉस्टली बुक्स तो मैं कभी खरीद भी नहीं पाती। मेरी तो आंखों में आंसू भर आए, इतनी खुशी हो रही है मुझे। ये लोग तेरी और तेरी पढ़ाई की कदर करते हैं। नाम क्या ना बेटा? परागी, मेरी रिक्वेस्ट है कि कल तुम प्रसाद किसी से भिजवा देना, खुद लेकर मत आना। मैं तुम्हारे सपनों के बीच में अब
अपने प्यार को कभी नहीं आने देना चाहता। अगर तुम्हारी हाँ है तो प्रसाद लेकर तुम खुद आना, और अगर तुम्हारी ना है तो किसी और के हाथ भिजवा देना। कहाँ खोई है? अच्छी थी मैं क्लास, मौसम भी अच्छा है, मूड भी सही है। क्यों ना रिश्ते के लिए हाँ कर दो। परु, संजय से अच्छा गुड मैन द लैंटर्न कोई हो ही नहीं सकता है। तू खुद सोच, तुझे इतना प्यार करता है और फिर भी तुझे रिश्ते के लिए ना करने को कह रहा है। उसकी ये ना ही तेरे लिए सबसे बड़ा रीजन होना चाहिए हाँ करने को। वेरी गुड, अगर हाँ करने का सोच रही है तो सोच। मैं तुझे क्लास में मिलती हूँ, मुझे ये बुक्स लाइब्रेरी में वापस करनी है, ठीक है? एंड लिसन, हाँ करना और कल प्रसाद लेके खुद जाना, ठीक है? चल मैं मिलती हूँ। जानती हो तुम, यही तुम्हारी औकात है। हमारे पैरों की धूल के बराबर हो तुम, लेकिन सपना देख रही हो हमारे लेवल तक पहुंचने का। क्यों ना हो, अगर एक पनीर बनाने वाली की बेटी को बड़े घर मलाई पनीर खाने का मौका मिले, इट्स अ गुड डील। और हाँ, तुम्हारी बहन की शादी में मिला था ना संजू तुम्हें, वहीं से तुमने प्लान बनाना शुरू कर दिया। सोचा कि मजबूत पार्टी है, घेरना चाहिए, और तुम हाथ धोकर उसके पीछे पड़ गई। हमारे संजू ने तुम्हें थोड़ा अटेंशन क्या दे दिया, तुमने उसका फायदा उठाना शुरू कर दिया। पहले तुम आई अबला नारी बनकर, फिर फ्री की कोचिंग के लिए हमारे इंस्टीट्यूट में घुस गई, और अब तुम प्लान कर रही हो हमारे घर पर बहू बनकर घुसने का। वाओ, सही जा रही हो तुम। सर प्लीज, I'm sorry to say, पर अब आप अपनी लाइन क्रॉस कर रहे हैं। और तुम जो अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हो उसका क्या? तुच्छे लोग, तुच्छी हरकतें, और वो तुम्हारी ताईजी गवार है। इसीलिए जुबान लड़ाती फिरती है पूरे मोहल्ले में। तुम थोड़ी पढ़ लिख के आ गई तो दिमाग लगा के बड़े लोगों को फंसाने की कोशिश कर रही हो। अच्छी ट्रेनिंग ली है तुमने अपनी उस सड़क छाप ताई जी से। इट्स अ परफेक्ट प्लान। पहले संजू से शादी करो और उसके बाद पूरी फैमिली की साथ पुश्ते आराम से मजे से बैठकर खाएंगे, राइट? So please, enough is enough. देखिए, मैं अपने परिवार के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकती,
आपको मेरे ऊपर जितने इल्जाम लगाने हैं लगा लीजिए, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं कौन हूँ। तो साबित करके दिखाओ। बोलती बंद कर दो हमारी, साबित कर दो कि मैं जो कह रहा हूँ वो झूठ है। कल संजू से शादी करने से मना कर दो। बोल, करोगी? है हिम्मत?